वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रव निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा मंगलं भगवान विष्णु। जय महाकाल, जय महादेव, जय हनुमान, जय श्री राम। तुला राशि वारो, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी का आशीर्वाद आपके भाग्य को चमकाए। तुला राशि वारो, ज्योतिष गणना के अनुसार आज 6 जनवरी बुधवार का दिन, पौष माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, हस्त नक्षत्र सुकर्मा योग। आज आपकी राशि तुला पर चंद्रमा और बुध का प्रभाव, राहु की छाया, शनि केतु, शुक्र की दृष्टि। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन काफ़ी समय के बाद जीवन में एक नई सवेरा का शुरुआत, जीवन में खुशनुमा वातावरण, आपकी हर बाधाएं दूर हो रही है। समय की गति, नक्षत्रों की चाल, ग्रहों की दशा आपके पक्ष में है। ये समय आपके जीवन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज आपको सब कुछ मिलेगा, मनचाही सफलता, कामयाबी। आज आपका व्यक्तित्व निखर कर सामने आएगा। आज आप कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया करेंगे, अपने जीवन में सुख और धन की प्राप्ति करेंगे। तो ज्योतिष गणना के अनुसार हस्त नक्षत्र सुकर्मा योग में चंद्रमा बुध का प्रभाव, राहु की छाया, शनि केतु, शुक्र की दृष्टि। ग्रहों की दशा को देखें, ग्रहों का गोचर आपकी कुंडली में कुछ इस प्रकार है। चंद्रमा आपकी राशि तुला के लाभ स्थान में उदय हुआ है। बुध आपकी राशि तुला के चतुर्थ भाव में शनि और बृहस्पति के साथ गोचर कर रहा है। शनि के साथ बुध का आना और साथ में बृहस्पति का होना मानो आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा हो। ये समय आपके पक्ष में है, दिन की शुरुआत अच्छी हो रही है, आज बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इस समय ग्रह नक्षत्र का गोचर आपकी राशि तुला पर काफ़ी अनुकूल है, बहुत सारे काम आज आपके बनेंगे, सकारात्मक ऊर्जा आज आपके अंदर होगी जो आपके भाग्य को बदलेगा। आपके जीवन में बड़ी सफलता, कामयाबी, खुशखबरी, धन का लाभ और अच्छे परिणाम आपको देगा। तुला राशि वालों, आज शनि केतु शुक्र की दृष्टि है, ऐसे में शनि बृहस्पति और बुध के साथ आपकी राशि तुला के चतुर्थ भाव यानी सुख स्थान में गोचर कर रहा है, जबकि केतु आपकी राशि तुला के द्वितीय भाव में बैठकर धन धान्य बढ़ा रहा है। यानी आज का दिन आपको बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही प्राप्त होगा, अचानक भाग बदलेगा, समय आपका साथ देगा। आज आपकी बहुत सारी परेशानी दूर होगी और आपके जीवन में उन्नति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कुंभ राशि वालों, तुला राशि वालों, ज्योतिष गणना के अनुसार आज हस्त नक्षत्र सुकर्मा योग में आपके भाग्य में बड़ा बदलाव हो रहा है। आज का दिन तरक्की, समृद्धि और सुख के लिए बहुत शुभ है। आज आपके लिए शुभ मुहूर्त दोपहर 2:11 से शाम 5:10 तक का होगा। इस दौरान आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे, कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, उन्नति के अवसर मिलेंगे और आपको बहुत लाभ और फायदा होगा। आज हर काम में सफलता, कामयाबी और बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होगा। नौकरी व्यापार में अच्छी प्रगति होगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। हर काम में सफलता, कामयाबी से मन में खुशी बहुत ज़्यादा होगी। तुला राशि वालों, आज हम आपको बताएंगे हस्त नक्षत्र अतिगंड योग और सुकर्मा योग के समय आपकी राशि तुला पर आप कौन सा उपाय करें ताकि आज का दिन लाभ ही लाभ आपको प्राप्त हो। तो राशिफल को पूरा देखें, उपाय को जानें, उपाय को करके देखें और हनुमान जी का आशीर्वाद के लिए अपने राशिफल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देवता का नाम लिखें। तो आज हस्त नक्षत्र सुकर्मा योग में आज का राहु काल दोपहर 12:27 से 1:45 तक है। राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का आरंभ ना करें। आज दिन की शुरुआत उत्तर दिशा की तरफ से ना करें। आपके लिए लक्की कलर ग्रीन होगा, आपका लक्की नंबर 3 होगा। तो आज
भाग्य आपका साथ दे रहा है। आज जीवन में अनुकूल स्थिति बन रही है। चंद्रमा और बुध के कारण आपकी हर समस्या का समाधान हो रहा है। आपका दृढ़ विश्वास आपको सफलता की ऊंचाई पर पहुंचाएगा। आज बुध और चंद्रमा का गोचर धन का लाभ देगा, तरक्की देगा, कामयाबी देगा। ग्रहों की शुभ दशा आपके जीवन में जबरदस्त तरक्की का योग बना रहा है। तुला राशि वालों, आज हस्त नक्षत्र में आपके प्रयास सफलता देगा। खास आज आपके लिए दिन है, क्योंकि आज नौकरी व्यापार में आपको बहुत लाभ होगा। स्टूडेंट के लिए आज का दिन कोई बड़ा उपहार आपको मिलेगा। आपके मन में खुशियां होगी और स्टूडेंट के लिए आज का दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आज आप कुछ नया सीखेंगे। सच्चे मन से की गई आपकी मेहनत अच्छा परिणाम देगा, इसलिए आज हर काम को मन लगाकर करें, आपको बहुत लाभ होगा। आज दिन की शुरुआत जीवन में अच्छे अवसर के साथ होगी। अपने जीवन में आप कुछ अलग तरह का बदलाव देखेंगे। रिश्तों में प्यार बढ़ेगा। संपत्ति उन्नति सुख के लिए ये समय शुभ है, क्योंकि शनि केतु शुक्र की दृष्टि आपकी राशि तुला पर सुख संपत्ति प्राप्त करने वाला दिन है। सुख के साधन बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में उन्नति और तरक्की होगी। आज जीवन में सुखमय प्रसंग बनेंगे। स्त्री के बीच आप ज़्यादा लोकप्रिय होंगे। आज आपके मन में नए नए विचार आएंगे। प्यार का फूल भी आज आपके जीवन में खिलेगा। साथ ही आपके घर में शांति का माहौल होगा। परिवार का साथ, जीवन साथी का साथ आज आपके मन को खुश करेगा और आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचने में आपकी मदद करेगा। कुछ अच्छे विचार आज आपके मन में आएंगे, जो आपके जीवन में आपको उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ाएगा। आज कई स्रोतों से धन का लाभ होगा। आज का दिन बड़ा शुभ है। जीवन में खुशियां बढ़ते चली जाएगी। तुला राशि वालों, आज राहु की छाया भी आपके लिए बहुत सुख है, क्योंकि सुख समृद्धि बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, मन की चिंताएं दूर होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी। उत्साह आज आपको बड़ा लाभ देगा। जिस भी काम को करेंगे उसमें सफलता और कामयाबी पाएंगे। आज आप हनुमान जी का दर्शन करें, साथ ही साथ हल्दी का तिलक लगाएं, महादेव का दर्शन करें। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बड़ा समृद्धि और सुख लेकर आया है। आज का दिन सुकर्मा योग में आपके भाग्य को बदलेगा, तो अपने जीवन में संतुष्टि, समृद्धि, सुख, धन धान के लिए और जीवन में किस्मत का साथ पाने के लिए मेहनत करें। भाग्य आपका चमक रहा है। जीवन में उन्नति के अवसर आपको अवश्य मिलेंगे। आज दिन की शुरुआत अच्छी होगी। आपकी बहुत सारी बाधाएं, कष्ट दूर होगी और आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपके प्रयास, आपके मेहनत आपको अच्छा परिणाम देंगे। आज आप स्वस्थ रहेंगे। आपका जीवन शांतिपूर्ण और खुशहाली में व्यतीत होगा, इसलिए लापरवाही ना करें। आज मेहनत से काम करें, बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होगा। तो तुला राशि वालों, ग्रहों पर आधारित अपने राशिफल के लिए राशिफल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देवता का नाम लिखें। तो आपके लिए दिन आज शुभ सुंदर, सुख देने वाला है। हस्त नक्षत्र सुकर्मा योग में राहु की छाया, चंद्रमा बुध का प्रभाव, शुक्र केतु शनि की दृष्टि आपके भाग्य को बदलेगा, आपके जीवन में खुशी और धन देगा। तो तुला राशि वालों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे इसी राशिफल कार्यक्रम में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। अपने राशिफल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देवता का नाम लिखें। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि।